सब लोग सब चीज याद कर लाए जो कल मैंने याद करने के लिए दी थी। मोदी जी पहले तुम सुनाओ, तुमसे पूछता हूँ मैं पहले। अरे सर जी, हमेशा इंद्री से क्यों पूछती हूँ, उस तरफ से क्यों नहीं पूछते? अखिलेश से पूछो पहले, तब तक मैं थोड़ा बहुत याद कर लूंगा। अखिलेश से पूछो। अरे टीचर, मैं हूँ के तुम लोग हो, मैं जिधर से पहले पूछूं? मोदी जी तुम पहले बताओ, लाल किला कौन सी जगह स्थित है बताओ। अरे राजनाथ सर जी, ये बताओ, आपके पूछने से उसकी जगह बदल जाएगी? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, लाल किला जहाँ स्थित है वहीं पे स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोदी जी। अच्छा राहुल तुम बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा है, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। कोई बात नहीं है सर जी, बता देंगे कल को उदाहरण दे के। अरे कल को क्यों बताओगे, आज क्यों नहीं बता रहे हो, आज बताओ। अरे कल ही याद करके लाओगे क्या? अरे इसमें याद करने वाली क्या बात है, मैं तो आपको जीता जागता उदाहरण दूंगा। मेरे पड़ोस में एक आदमी ऊंट पालता है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद उस ऊंट के मुंह में जाके जीरा दे दूंगा, फिर यही हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल। अच्छा योगी जी, आप एक पहेली का उत्तर दो। जी पूछिए, हम तो हर टाइम तैयार रहते हैं बताने के लिए, पूछो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में लाल है, सूखी घास फूस खाती है और पानी पीते ही मर जाती है? वैसे सर जी लाल तो घोड़ा भी होता है, लेकिन वो पानी पी के मरता थोड़ी है, घास फूस भी खाता है। कौन सी चीज है आपको खुद पता नहीं है, तभी तो मुझसे पूछ रहे हो। अरे मुझे तो पता है, उस चीज का नाम आग है। तो मैं भी तो आग ही बताने वाला था, उससे पहले आप बोल पड़े। चलो बहुत बढ़िया योगी जी, तुम्हें पता था इसका मतलब आग है। अरे लालू जी आप बताओ, ठोकर खाना है, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ। अरे ये तो बहुत ही आसान उदाहरण है, चलो बाहर चलो रोड पे, अपने स्कूल के बाहर जो उबड़ खाबड़ रोड है उस पर। अरे वो रोड उबड़ खाबड़ है, उस रोड पे मुझे ठोकर लगती रहती है, जैसी मुझे ठोकर लगेगी उसी को कहते हैं ठोकर लगना। देखो सर जी, मुझसे कुछ पूछने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कल को याद करके आऊंगा, कल मुझसे पूछना। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।